सफर के दौरान आपको अगर उल्टियाँ आती हैं, चक्कर आते हैं, बेचैनी होते हैं, तो इस कंडीशन को मोशन सिकनेस बीमारी कहा जाता है। आप इस वीडियो में ये जानेंगे कि भाई इसका कारण क्या होता है, आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप कुछ होम रेमेडीज या कुछ प्रिकॉशंस ले लेते हैं सफर शुरू करने से पहले, तो डेफिनेटली आप अपनी इस दिक्कत को ओवरकम कर सकते हैं और इस परेशानी से बच सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है। ये जब आप नॉर्मली घर में होते हैं तो आपको ऐसा नहीं होता, लेकिन आप जैसे ही कहीं पहाड़ पे जाते हैं, आप कार में बैठते हैं, आप एरोप्लेन में बैठते हैं, आप ट्रेन का सफ़र करते हैं, किसी भी तरीके के जो आप सफ़र करते हैं, तो आपको ये लक्षण आने लगते हैं। कहीं ज़्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं। तो देखिए, उसका एक कारण होता है। तो सिंपल सी बात है कि आपका ब्रेन, आँखों का और जो ईयर का जो तालमेल है, अगर ख़राब हो जाता है तो इसकी वजह से आपको मोशन सिकनेस होने लगती है। तो बात करते हैं कि भाई इससे बचा कैसे, टिप्स कौन कौन सी हैं इससे दूर रहने की और इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप गाड़ी में बैठे हैं और आपको अगर ड्राइव आता है, आप अगर ड्राइविंग जानते हैं, तो कोशिश करें कि आप खुद से ड्राइव करें। क्योंकि आप जब खुद से ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपकी आँखें सीधे देख रही होती हैं और ब्रेन को वो मैसेज क्लियर नहीं दे पाते, फिर उन दोनों का तालमेल बन जाता है। तो आप अगर ये ट्राई करेंगे, अगर आप खुद से ड्राइव करेंगे, तो आपको मोशन सिकनेस नहीं होगा, आप चाहे आप पहाड़ों में जाएं या कहीं पे भी जाएं। दूसरा, कोशिश करें अगर आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं तो फ्रंट सीट पे बैठें, और अगर फ्रंट सीट पे आप बैठते हैं तो सामने देखें, दूर देखें, नज़दीक ना देखें या साइड में ना देखें। क्योंकि जब साइड में देखते हैं तो आप देखें आप रोड आपको चलते हुए दिखते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको ब्रेन को सिग्नल जाते हैं कि नहीं, आप बहुत तेज मूविंग स्टेट में, और आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप फिर भी आपको ऐसा होता है, आप गाड़ी में बैठे हैं या आप सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में, डेफिनेटली आप एरोप्लेन की खिड़की नहीं खोल सकते हैं, लेकिन आप ट्रेन में, कार में या बस में सफ़र कर रहे हैं, तो आप फ्रेश एयर अपनी तरफ आने दें। आपके चेहरे पर जब फ्रेश एयर पड़ती है और आप जब डिस्टेंस में देखते हैं, तो फिर एक बैलेंस बना रहता है, और फ्रेश एयर जब आपके फेस पर आती है तो भी आप मोशन सिकनेस से काफ़ी हद तक बचे रहते हैं। अगर आप विंडो नहीं खोल सकते, ऐसी जगह भी आप विंडो नहीं खोल सकते, तो कम से कम अपनी कार का जो एसी का वेंट है उसको अपने फेस की तरफ कर लें, सो दैट आपके फेस पर जो ठंडी हवा लगेगी, तो इससे भी मोशन सिकनेस काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। और एक बहुत बड़ी चीज़, क्योंकि आज हमारे सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, हम कंप्यूटर पर काम करते हैं, कभी भी आप सफ़र करते हुए बस में, ट्रेन में, कार में, कोशिश करें कि आप मोबाइल या लैपटॉप ना देखें। आप जैसे ही आप देखेंगे, थोड़ी देर आपने अगर स्क्रीन देख लिया मोबाइल का, तो डेफिनेटली आपको जी मचलाने लगेगा, घबराहट होने लगेगी और चक्कर भी आने लगेंगे। आप इसके लिए कुछ होम रेमेडीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप जब भी सफ़र में जाते हैं तो छोटे छोटे आप अदरक के टुकड़े साथ में लेके जा सकते हैं, एक छोटा टुकड़ा मुँह में डाल लें, उसको चबा लें, उसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपको मोशन सिकनेस में फ़ायदा करेगा ही करेगा, आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा, इसमें एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो वो भी आपको फ़ायदे मिलेंगे। आप पुदीने के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लेमन चाट सकते हैं, तो ये कुछ छोटे मोटे से टोटके हैं जिनसे आप अपनी मोशन सिकनेस की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप सौंफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सौंफ मुंह में डाल के चबाते रहते हैं थोड़ी देर तक, तो ये भी आपको मोशन सिकनेस में फ़ायदा करता है। और मुलेठी भी अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा टुकड़ा मुंह में डाल लेते हैं, तो वो भी आपको फ़ायदा करेगा मोशन सिकनेस की बीमारी, या ये जो आपको सफ़र करते दौरान चक्कर आते, जी मतलाता है, घबराहट होती है, उस सबको कंट्रोल करने में। उसके अलावा आप देखिए, एलोपैथिक दवाइयाँ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आपको अपने डॉक्टर की सलाह पे ही यूज़ करनी पड़ेगी। आप ऐसे किसी के बताए पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी अपनी एक डोज होती है, उसकी कैलकुलेटिव डोज होती है, जो गलत तरीके से लेने से आपको नुकसान हो सकता है। तो उसमें एक दवाई आती है प्रोमेथाजीन, जिसका 25 मिलीग्राम आप सुबह शाम ले सकते हैं। तो सफ़र करने से पहले, एक घंटा डेढ़ घंटा पहले अगर आप ये ले लेते हैं एक टैबलेट, तो उससे आपको काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है। एक स्टेमेटिल टैबलेट भी आती है, वोटरिन टैबलेट भी आती है, ये भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा करती है। तो आप इनको इस्तेमाल करके अपनी मोशन सिकनेस की दिक्कत को, ये सफ़र के दौरान जो आपको उलझने परेशानी होती है, उससे अपने आपको बचा के रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टिप्स काम आएंगी, और आप यूज़ करिएगा आगे, और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपको इससे कितनी हेल्प मिली। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो उसको लाइक ज़रूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर लें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। उसके अलावा आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप मेंबरशिप लेके आप चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करें, नॉमिनल चार्ज पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा काम करने का, और आपके पास अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का।